कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने बहुत विचार विमर्श के बाद गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से और राहुल को पिछले दो दशकों से उनकी मां सोनिया की निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से मैदान में उतारा है। इस सीट पर उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके दादा फिरोज गांधी का भी कब्जा था। आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के साथ अमेठी में फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। इनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली में होंगे। सात चरण के आम चुनाव के पांचवें चरण में दोनों सीटों पर 20 मई को मतदान होगा।